नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी छात्र छात्राओं को जानकारी बताना चाहते हैं, जो भी छात्र मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड एमएड करना चाहते हैं सत्र 2023-24 में, बीएड और एमएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो क्या है, कब से स्टार्ट होगी और इसकी जो प्रोसेस क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे अभी जो आवेदन हो रहे हैं वो प्राइवेट बीएड एमएड के लिए हो रहे हैं, यानी प्राइवेट कॉलेज से। अब गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप एमएड और बीएड करना चाहते हैं तो उसके जो आवेदन है वो आप कैसे कर पाएंगे, और साथ ही इसकी जो रूल बुक है वो क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ ही यहाँ पे जो है इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी, कितनी सीटों पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी दे दें, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो है आप मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी में अपना बीएड एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें एडमिशन कौन कौन ले सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पोर्टल ओपन करके बता दें, बहुत जल्द जो है यहाँ पे एडमिशन की जो रूल बुक है वो यहाँ पे जारी होने वाली है, और साथ ही काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ होने वाली है। नेक्स्ट मंथ में जो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम जो पोर्टल ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है सभी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे डीएलएड की जो काउंसलिंग है वो चल रही है, आज उसकी अंतिम तिथि है। इसके बाद यहाँ पे एमएड और बीएड की जो प्रक्रिया है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत जल्द यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग की, तो आप जो है वीडियो देखते रहें, बहुत जल्द आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे बीएड और एमएड की इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं पोर्टल यहाँ पे चालू हो चुका है, बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 के लिए, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यहाँ पे कराई जाती है। अब इसमें जो है नियम शर्तें क्या होती हैं और रिक्त सीटों की जानकारी क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको रिक्त सीटों की जानकारी बता दें और एडमिशन प्रोसेस बता दें। तो संस्थाओं की रिक्त सूची आप यहाँ देख सकते हैं, साथ ही इसमें कॉलेज के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से कॉलेज के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं की जानकारी दी गई है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको मुख्य इन्फॉर्मेशन बता दें, जो की आपकी मुख्य जानकारी है। ये जो रूल बुक है ये यहाँ पे पिछले साल की है, लेकिन हम यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट जानकारी है जो चेंज नहीं होती है, केवल यहाँ पे डेट चेंज होती है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जान लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कितनी सीटें होती हैं, तो आपको बता दें ये दो प्रकार से होती है। सबसे पहले यहाँ पे इसमें जो 50% रिक्त सीटें होती हैं वो शैक्षणिक अध्ययन संस्था में जो शिक्षक होते हैं उनके लिए यहाँ पे 50% सीटें रखी जाती हैं। उसके बाद जो शेष सीटें 50% शेष सीटें बचती हैं उन पे जो है समस्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में 50% सीटें जो है विभागीय एवं शेष 50% जो सीटें होती हैं वो गैर विभागीय अभ्यर्थियों के लिए होती हैं, यानी इसमें जो 50% सीटें हैं उसमें जो है शिक्षक वर्ग के जो है डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, और जो 50% रिक्त सीटें होती हैं उनमें जो है मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है, जो है आप बीएड एमएड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रक्रिया है सत्र 23-24 की वो यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द यहाँ पे जारी होने वाला है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको बहुत जल्द क्लियर हो जाता है कि आपकी यहाँ पे इस पाठ्यक्रम में जो है दो दो प्रकार की सीटें होती हैं, एक विभागीय अविभागीय। तो आप जो है विभागीय हैं तो विभागीय 50% सीटें आपकी हैं, और अविभागीय तो अविभागीय 50% सीटें आपकी हैं। अब यहाँ पे रिक्त संस्थाओं की जो सूची होती है उसमें कितनी सीटें हैं, कुल कितनी सीटें हैं और कौन कौन से यहाँ पे विद्यालय हैं, तो यहाँ पे आपको जो महाविद्यालय है वो कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कॉलेजों की लिस्ट दी गई है, यहाँ पे जो है सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और यहाँ पे जो बीएड और एमएड की अलग अलग सीटें हैं, और टोटल सीटें यहाँ पे दी गई है कि कितनी सीटें हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो कॉलेज है यहाँ पे, ये आपका भोपाल का जो इंस्टीट्यूट है वो है, इसमें 135 सीटें हैं, 135 में से 50% आपकी जो है गवर्नमेंट विभागीय होगी और 50% आपकी जो है गैर विभागीय होगी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आपका कॉलेज है वो है हमारा यहाँ पे खंडवा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन कॉलेज है खंडवा का, उसमें 150 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है देवास का, देवास में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 150 सीटें यहाँ पे हैं। इसके बाद जो छतरपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी 150 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। इसके बाद जबलपुर में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, यानी यहाँ पे केवल
जो जबलपुर में दो कॉलेज हैं आपके, एक यहाँ पे साइंस वाले छात्रों के लिए है और यहाँ पे एक जो आर्ट अदर सब्जेक्ट वाले छात्रों के लिए है। तो जो साइंस वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे 100 सीटें हैं, तो 50 सीटें यहाँ पे विभागीय हैं और 50 सीटें यहाँ पे गैर विभागीय है। इसके बाद जो एक यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है ये जबलपुर का, ये सभी के लिए है, इसमें 215 सीटें हैं, टोटल 215 सीटें हैं। इसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज है रीवा का, उसमें 150 सीटें हैं। इसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज है ग्वालियर का, उसमें 150 सीटें हैं। और एक गवर्नमेंट कॉलेज है उज्जैन का, उसमें 170 सीटें हैं। तो जो विभागीय छात्र हैं यानी जो विभागीय आवेदक हैं, जो शिक्षक हैं, वो उनके लिए जिला या अपना जो जिला है उस जिले की लिस्ट दी गई है कि उस जिले का जो छात्र है अभ्यर्थी है वो अब इस महाविद्यालय में प्रवेश ले पाएगा। लेकिन जो गैर विभागीय छात्र हैं वो इन विद्यालय में से कहीं भी अपना एडमिशन ले सकते हैं, उन्हें चॉइस फिलिंग करने की जो है पूरी प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे हम रूल बुक पर चलते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे। जो विभागीय छात्र होंगे यानी जो विभागीय शिक्षक हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है रूल बुक में कि कौन से जिले के जो छात्र हैं वो केवल उस विश्वविद्यालय में जो है अपना या महाविद्यालय में जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपका भोपाल का जो महाविद्यालय है, इसमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद के जो 75 सीटें हैं उन पर विभागीय छात्र जो है एडमिशन ले पाएंगे। इसके साथ 60 सीटें जो है यहाँ पे जो गैर विभागीय के लिए हैं, तो इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। इसके बाद हम थोड़ी नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। तो ये जानकारी जो है बाद की है, इसमें आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इस जानकारी को हम जो आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे जाएगी। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो रूल बुक पढ़ सकते हैं। रूल बुक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो छात्र गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें, उनका जो है 10वीं का अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, ग्रेजुएशन की वो मार्कशीट है, साथ ही यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र अगर हो तो, ST/OBC के लिए कंपलसरी है। ये चीजें आपको, ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रखना कंपलसरी है, आप बनवा लें। इसके बाद जैसे ही ऑनलाइन आवेदन होते हैं तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इसकी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है। हमारे हिसाब से 5 5 6 6 7 से 7 दिन के अंदर जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी और इसके एडमिशन भी जो है चालू हो जाएंगे। तो बहुत जल्द इसकी प्रोसेस चालू होने वाली है, हमारे माध्यम से आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें ताकि आने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।